Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbra that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ मुमरा में हुआ विरोध और निषेध प्रदर्शन। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया छाया हुआ है। स्वीडन और नीदरलैंड में एंटी इस्लामिक या इस्लामिक फोबिया से ग्रस्त रास्मस पॉलोडिन, एक स्वीडन के ऐसे एक्टिविस्ट जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना और इस्लाम के प्रति हर वो गलत काम करने में अग्रसर रहे थे। तुर्की एम्बेसी के सामने कुछ ही दिन पहले रास्मस पॉलोडिन ने कुरान की प्रति जलाई थी, जिससे समूचे इस्लामी जगत में रोष और गुस्सा उमड़ा पड़ा है। उसी का विरोध 25 जनवरी बुधवार के दिन मुमरा अमृतनगर नाके पर राष्ट्रवादी युति की नेत्री मर्जिया पठान, महेश्वर शेख, शाकिब दाते और उनके तमाम समर्थकों द्वारा किया गया। एक अंतरराष्ट्रीय कानून जो है बनाने की मांग इस वक्त मर्जिया पठान ने की कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो या कोई भी धर्म हो। देखिए कैसा रहा यह आंदोलन और क्या कहा इन लोगों ने। मर्जिया पठान, आज अमृतनगर नाके पर स्वीडन में कुरान जलाने की प्रतिक्रिया आप लोगों ने जो है ये स्वीडन के तमाम पोस्टर से रास्मस पेलेडून जिसने ये कुरान जलाया, ऐसा जो अपराध उसने किया है उसके खिलाफ आप लोगों का ये आंदोलन है। भारत सरकार से इस मुद्दे पर किस तरह की मांग करते हो आप लोग? देखिए, ये जो है ना वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में है ना इस्लामोफोबिया का एक ट्रेंड चल रहा है ना। जब देखो जहाँ देखो इस्लामोफोबिया के नाम पे कुछ ना कुछ आपको आजकल न्यूज देखने को ही मिलती है। किसी को भी आजकल हाईलाइट में आना है, टीवी में आना है, मीडिया में आना है, तो वो लोग इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल देंगे, कोई पब्लिसिटी स्टंट कर देंगे और उनको 2-4 मिनट की फेम मिल जाती है। तो जो स्वीडन में जो ये कुरान जलाने की जो पालूडेन इन्होंने जो किया है, इस पे मैंने रिसर्च की, इन्होंने ऑलरेडी पहले भी 2-4 बार ऐसा कर चुके हैं। इन्होंने ऑलरेडी 2-4 बार ऐसे कर चुकी है। और स्वीडन गवर्नमेंट जो माफी मांग रही है कि हम उनके बिहाफ पे माफी मांगते, तो हमको उनकी माफी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। क्योंकि अगर पहले जो इंसान ने ऐसा कर चुका है, आपने अभी तक के उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो बार बार ऐसा कर रहे हैं, वहां पर भी तो मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वहां पर भी 4% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आपको आपने उसकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरी ये मांग है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही नहीं, देश भर से, पूरे वर्ल्ड से ये मांग है मेरी कि आप लोग इंटरनेशनल लॉ बनाओ जिसमें जो आजकल ये चल रहा है लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके खिलाफ ऐसा ना हो। इसलिए एक इंटरनेशनल लॉ फॉर्म होना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि बड़ी बड़ी जंगे एक एक इंसान के पागल पागल इंसान के पागल स्टेटमेंट या पागल एक्शन की वजह से बड़ी बड़ी जंगे छिड़ जाए। नहीं, यूएन ने ऑलरेडी कह दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मजहब का हो। स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो रास्ते चलते को, आप गाली बकते हो, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मैशर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नारे तकबीर। देखिए, सबसे पहले तो सब लोग, बहुत आसान हो गया लोगों को, अगर किसी को अपने आप को फेमस करना है तो इस्लाम के बारे में कुछ भी शब्द कह दें, कुछ भी उल्टी शब्द कह दें, वो अपने आप को फेमस कर लेते हैं। ये एक सस्ती पब्लिसिटी, जी एक सस्ती पब्लिसिटी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये तमाम शहरवासियों को, बल्कि तमाम उलमाए आलम के लोगों से कहता हूँ कि मुसलमानों को एक होना बहुत जरूरी है। मुसलमान एक हो जाए, चाहे वो कोई भी मुद्दे पे बात हो, अगर इस्लाम के बारे में बात हो, तो हमें सबको एक होना बहुत जरूरी है। वरना ऐसे छोटे मोटे लोग, ऐसे लोग कुछ ना कुछ इस्लाम के बारे में कहते ही रहेंगे। मैशर और मर्जिया, एक सवाल दोनों से मेरा कॉमन ये है
जिस तरीके से नेदरलैंड, नेदरलैंड के बाद स्वीडन, ये दो कंट्रीज में लगातार कुरान जलाने की ये घटनाएं जो हो रही है, उसी तरह से पिछले एक महीने में ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में मंदिरों पर हमला और तोड़फोड़ करने की घटनाएं हुई है। खालिस्तानी समर्थक का जो है तीसरी घटना में, अभी जो लेटेस्ट घटना है उसमें नाम सामने आया। तो कहीं ना कहीं अब ये मजहबी जंगे हर मुल्क को घेरे में ले रही है, तो हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ की दुर्घटनाओं पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा, मैंने इसलिए आपको ये कहा, हाँ, कि आप एक इंटरनेशनल लॉ बनाओ कि किसी भी धार्मिक लोगों, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये जो एक प्रक्रिया चल रही है ये बंद हो जाए। और रही बात ये मुस्लिम लोगों का, तो यहाँ देखिए ये बहुत फ्रीक्वेंट है, ये जो चीज है ये भारत में, भारत के बाहर भी बहुत ट्रेंड में चल रही है। और मैंने आपसे जैसे कहा, वो दिन दूर नहीं कि इस किसी के पागलपन से, मेंटली इल या मेंटली सिक लोगों की वजह से जो पीस लविंग लोग हैं वो जो है हमेशा, देखिए हम तो मुसलमान तो इसके लिए उतरेंगे ही, पर जो हमारे साथ पीस लविंग लोग, जो अमन परस्त लोग हैं, वो भी हमारा साथ फॉर श्योर देते आए हैं और देंगे, क्योंकि बहुत हमारे देश में अमन परस्त लोग भी हैं जो ऐसी चीजों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अगर इस्लाम पे बात आएगी तो हम अपनी जान और माल को भी दाव पे लगाने के लिए हमेशा आगे रहेंगे, चाहे आज हो, कल हो, या जिंदगी में कभी भी हो। पर हाँ, ये जो दुनिया में जितने भी जो स्टंट चल रहे हैं, इससे इस्लाम को एक रत्ती का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने कतर, आपके सामने कतर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप है और पूरी दुनिया के लोग आए हैं और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बेहतरीन उन्होंने मेहमान नवाजी की है और वहाँ पर सुपर हिट फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। ये आपके लिए एक तमाचा है, जो भी इस्लाम को गलत बोले या इस्लाम के खिलाफ बदतमीजी करे या इस्लाम को लेट डाउन करने की कोशिश करे, आप कोशिश करते रहो, पर इससे कोई इस्लाम को 1% का फर्क नहीं पड़ेगा, इस्लाम फैलता रहेगा और इस्लाम का बेहतर ही होगा। नारे तकबीर अल्लाह।